मौलाना तारिक जमील साहब से आप इख्तलाफ रखें या ना रखें, जो भी कह लें उनके बारे में, उनका फ़ैन फॉलोवर बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग उनको सुनते हैं और बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, और उनके हवाले से किसी किस्म की कोई गलत खबर आती है तो बहुत से लोग काउंटर करने के लिए पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का मीडिया या सोशल मीडिया, बल्कि मैं ख़ुद भी, मौलाना के हवाले से कोई भी खबर हो उसके ऊपर वीडियो बनाना लाजमी समझता है, क्योंकि मीडिया को रेटिंग मिलती है, हम लोगों को व्यूज़ मिलते हैं, व्यूज़ से पैसे आते हैं, और ये एक बिज़नेस है। मीडिया को आप लोग एक बिज़नेस समझेंगे तो आप लोग को पाकिस्तान के मीडिया की समझ आएगी। अब हम बात करते हैं सियासत की। पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत में सब कुछ जायज़ है। वैसे तो पाकिस्तान की बहुत सी सियासी जमात जो है वो इल्ज़ाम लगाती है एक दूसरे पर कि आप मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब जब नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में नवाज़ शरीफ साहब से मिलते हैं तो पीटीआई के लोग इख्तलाफ रखते हैं कि आप लोग क्यों उनसे मिलने जाते हैं, वो तो करप्ट है, चोर है, तो ऐसा है वैसा है। इसी तरह मौलाना साहब इससे पहले जरदारी के दौर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करते थे, उससे पहले मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ से मुलाकात करते थे, और हाल ही में इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो उनसे भी उनके घर मिलने गए, और तस्वीर भी मीडिया पर आई, वज़ीर आज़म हाउस में भी गालिबा मुलाकात हुई थी, और इसके अलावा एक इंटरव्यू हुआ था, वज़ीर आज़म का टेलीथॉन चल रहा था, वहाँ पर मौलाना ने मीडिया के हवाले से एक बात कर दी कि पाकिस्तान का मीडिया झूठ बोलता है, और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल के एक मालिक ने मुझसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता क्योंकि इससे मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। और उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब एक मरतबा फिर से ख़बरों में आ गए। कई दिन तक बहस चलती रही, स्पेशली हामिद मीर वगैरह वगैरह और बाकी जितना भी ये जो पाकिस्तान का जो लिबरलिज्म जो जिसको कहा जाता है जाली लिबरल्स, वो जो टोला है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की मौलाना पर, और मौलाना ने बिलाखिर कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और जान छुड़ा ली। हालांकि मुझे इख्तलाफ था कि उस वक़्त मौलाना को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। पाकिस्तान की हर सियासी जमात मजहब कार्ड इस्तेमाल करती है, अभी से नहीं 70 सालों से मजहब कार्ड इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। ये मुल्क भी मजहब के नाम पर हासिल किया गया है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। खबर अभी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है मौलाना तारिक जमील के हवाले से ही, कि बोल टीवी के कुछ स्क्रीन शॉट्स है वो वायरल हुए हैं, और उसमें क्या लिखा हुआ है आप लोग स्क्रीन शॉट स्क्रीन पर देखें। इमरान खान ने मुझ समेत पूरी कौम को मायूस कर दिया, पूरा एक साल इंतज़ार किया, रियासत मदीना का दावेदार अपनी शक्ल मदीने वाली ना बना सका, लोगों ने लाख समझाया कि इन तिलों में तेल नहीं, मैं ना माना। मौलाना फजलुर रहमान करोड़ों मुसलमानों के दिलों के तर्जुमान है। ये दो स्क्रीनशॉट जो है सोशल मीडिया पर कल से वायरल है। पहली बात ये कि ये स्क्रीनशॉट जाली है, फेक्ड है, ये खबर जो है एडिट की गई है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप घर बैठकर एक दो दिन यूट्यूब पर फोटोशॉप की वीडियोस देख लें, आप लोग एडिट कर लेंगे, कुछ भी लिख देंगे, ठीक हो गया। दूसरी बात, ये स्क्रीनशॉट आज के नहीं, आज से एक साल पहले के, क्योंकि इसमें खुद ही लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है कि एक साल गुजर गया, एक साल इंतज़ार कर लिया, जबकि अब इस हुकूमत को तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं, तो ये दोनों बातें यहाँ से झूठी साबित होती है। स्क्रीनशॉट को इस्तेमाल किसने किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो अपने आप को प्योर सेकुलर और लिबरल जमात समझती है, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने, जिसका कोई अता पता नहीं होता, ये कभी भी लिबरल बन सकती है, ये कभी भी मजहबी जमात बन सकती है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत में सब जायज़ है, कभी भी आप मजहब कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों पार्टियों ने बिलखसूस इस स्क्रीनशॉट को इंतहाई वायरल किया, लेकिन सोशल मीडिया पर भी अब बड़े सियाने लोग बैठे हुए, उन लोगों ने बता दिया कि भाई ये मामला पुराना है और इसके अलावा जाली है, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मेरे ख्याल से मौलाना तारिक जमील साहब कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे कि वो करोड़ों मुसलमानों के दिलों के तर्जुमान हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मौलाना इस बार इलेक्शन जीतते और इलेक्शन जीतकर असेंबली में आते, और उनके बाद उनको कोई कश्मीर कमेटी टाइप जो उनको चाहिए होता है वो मिल जाता, ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। इस वीडियो में बस इतना ही। हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। ये वाली वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें।
अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।